भारत की जनता को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कलरफुल नेचर के साथ मैं हूँ आपके साथ। सो गाइस, आज सुबह पहले ही जॉब जाने से पहले मैंने आज अपने घर से ही मतलब अपना ब्लॉग शुरू कर दिया है। एंड किसी ने शाम को पिज़्ज़ा खाया हुआ था तो पूरी मेरी गड्डी को ख़राब कर दिया। एंड तो मुझे अभी पूरी गड्डी मेरे को साफ़ करनी पड़ी। और हाँ, ये हमारे साहब जो है गड्डी में पेट्रोल ख़त्म करके आए हुए हैं, अभी इसको धक्का लगा कर जाना पड़ेगा। एंड उसमें पहले पेट्रोल पुराऊंगा, उसके बाद हम जाएंगे अपने काम पर। जय श्री राम मदनलाल, क्या हालचाल है? हमारे मदन जी सुबह सुबह हमें मिल गए। तो हमारे साहब कहाँ गए? हाँ, हमारे नारायण साहब पहुंच चुके हैं यहाँ पर। आगे आ जा इस तरफ, अंकल ने हमें यहीं पे बुला लिया। तो गाइस ये जीरो रेडी है, ठीक है, अब हमारा पेट्रोल जाने वाला है अंदर। क्या अंकल, आप सुबह कितने बजे आते हो काम पर? कितने? सात। सात बजे? और जाना कितना बजे? हाँ, ये बंदे ने कहा, हाँ 110, ये बंदे ने अपनी गड्डी की चाबी भी खो दी है, पेट्रोल का बहाना बनाकर मेरे घर आया, मेरे को बोल रहा है कि धक्का लगाना पड़ेगा। मैंने बोला चल ठीक है, लगा लेते हैं धक्का। और गाइस, कल तो मैं दिल्ली का ब्लॉग नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ करना, सॉरी, क्योंकि थोड़ा काम में बिजी था इसलिए मैं नहीं बना पाया। और कल शाम को मेरे को नींद भी नहीं आई क्योंकि मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि क्या है ना कि शाम के वक्त एडिटिंग वगैरह सब करता हूँ, अपलोडिंग वगैरह करता हूँ, तो वो चीज़ कल मैंने नहीं करी तो मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि आज ये क्या हो गया। बट कोई ना, आज मैंने स्टार्ट किया है अपना ब्लॉग बनाना। कल काम के सिलसिले में नहीं बना पाए, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, भारत की जनता को मैं माफ़ी मांगता हूँ। सो गाइस, आज बहुत ही खुशखबरी की बात ये है कि आज मेरी माँ का जन्मदिन है। एंड मैं अपनी माँ को ये कहना चाहूँगा कि विश यू वेरी वेरी रिटर्न आफ्टर एंड हैप्पी बर्थडे। भारत की जनता को बस मेरा एक ही अपील है कि प्लीज़ आज मेरी माँ का बर्थडे है तो आप सभी लोग मेरी माँ को विशेष विश करिएगा। एंड ईश्वर से उनके लिए दुआ करिएगा कि उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे और वो हमेशा खुश रहें। तो गाइस, बस मुझे ऐसे ही आपका सपोर्ट बना के रखिएगा। एंड मेरी यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप कर दीजिएगा। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी वो चीज़ बताई थी और आज भी मैं बता रहा हूँ कि खुशी का मौका मत छोड़िए और खुशी हमेशा कहीं से ना कहीं से ढूंढ के निकाल दीजिए। तो शाम को माँ का बर्थडे है तो सेलिब्रेशन करना है। तो कभी वो होटल में कभी खाने के लिए नहीं गए तो आज मैंने सोचा है कि क्यों ना आज मैं उनको होटल में खाने के लिए लेके जाऊँ और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। तो मैं अब शाम को मैं आपको मिलता हूँ सीधा एंड अपनी माँ के साथ। जैसे कि मैंने आपको सुबह में बताया था कि आज माँ का सेलिब्रेशन होना है बर्थडे का, तो उनका फेस मैं बहुत जल्दी आपके सामने रिलीज़ करूँगा एंड रिवील करूँगा। एंड हम फाइनली वैसे होटल में पहुँच ही चुके हैं एंड माँ फुल एक्साइटेड। तो उनका चेहरा मैं आपको बस अभी केक काटते वक्त ही मैं आपको दिखाऊँगा, तो प्लीज़ आप देखते रहिएगा सब। सुबह शुरुआत था, ये फर्स्ट टाइम इनका सेलिब्रेशन है, थोड़े नर्वस से मेरी माँ। आप हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, स्वास्थ्य हमेशा थोड़ी ज्यादा पकी है, थोड़े नर्वस है क्योंकि पहली बार ये क्या है ना कि ये पूरा स्टाफ उनको देख रहा है, वो बेचारे थोड़े से नर्वस हो चुके हैं। सो गाइस, ये मेरा भाई है, माँ का तो फेस आपको दिख ही गया है। साथ में बैठी हुई मेरी मौसी की लड़की सिस्टर है, माँ ने बोला था कि उनको भी ले लो साथ में, तो मैंने उनको भी ले लिया साथ में। सो देन अभी मेरा टाइम है ना। सो मैम, सी
तो इनका बर्थडे का सेलिब्रेशन हो चुका है फाइनली। एंड आपको तो पता ही कि मैं होटल का खाना नहीं खाता हूँ, पर हाँ मेरी माँ, मेरी सिस्टर और मेरे भाई सभी लोग इन्जॉय करेंगे यहाँ होटल में खाना खाने। सो माँ, मेरी ऑडियंस को हाय बोल दो। हाय। एंड आप बोलो कि मेरे लिए प्रार्थना करिएगा ताकि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। मेरे लिए प्रार्थना करनी कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। माँ को हिंदी इतनी अच्छी आती नहीं है, पर कोशिश फूल है उनके करने। सो अभी हम ऑर्डर करेंगे अपना खाना, हम शुरुआत करेंगे। सो एक्चुअली क्या है ना गाइज कि हम लोगों ने ऑर्डर तो कर ही दिया है खाना एंड बस आ ही रहा है, बट उसके पहले माँ ने ना अपनी बहनों से, अपने जीजाजियों से बहुत सारी बातें चल रही है। मेरे भाई ने एक्चुअली क्या है ना कि बीच में वीडियो कॉल कर दिया ग्रुप में, पर्सनल ग्रुप में, तो सभी लोग उनको विश कर रहे हैं। तो दिखा दो ऑडियंस को दिखा दो। ये तो मेरा भाई है, वो देखो ये पूरा वीडियो कॉल कर दिया है एंड सभी लोग मेरी माँ को विश कर रहे हैं। गाइस आप भी भूलिएगा मत, मेरी माँ को जरूर विश करिएगा। माँ ऑडियंस को केक तो खिला। चलो मेरे बर्थडे के लिए केक खाओ। थोड़ा फास्ट बोलिए। अगर चाहो गाइस एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि मेरी माँ है ना, जितना धीरे बोलती है ना उतना धीरे नहीं बोलती। मेरी माँ मेरी सोसाइटी की बात करिए कि जिस दिन वो मेरे पे चिल्लाई थी तो मतलब आसपास वाले सभी लोग मतलब इकट्ठा हो गए थे कि ऐसा क्या हो चुका है। तो हमारा खाना फाइनली वैसे आ चुका है, आधा ही आया हुआ है, पूरा नहीं आया अभी। सो बस अभी माँ खाना खाएगी। नहीं एक ही प्लेट लगाओ, एक दूसरी प्लेट दे दो बस। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं तो खाना बाहर का खाता हूँ, बट अभी फिलहाल माँ, मेरी सिस्टर, मेरा भाई सब लोग अभी खाएंगे और जलसा करेंगे। ये देखो कितना हंस रहा है। सो ये सभी लोगों के साथ लगा पड़ा हुआ है, पूरी कंट्रोवर्सी करेगा आज ग्रुप में, जो पर्सनल ग्रुप है, फैमिली ग्रुप, उसमें पूरी कंट्रोवर्सी करेगा ये बंदा। इतना जाड़िया है ना, मतलब बॉडी इतनी वेट है ना कि ये देख, ये इसको इतना भी पता नहीं चलता कि अगर हम होटल में खाना खाने के लिए आते हैं तो पैर हमारे नीचे होने ही चाहिए। ये देखो मेरी माँ ने भी अपना खाना शुरू कर दिया है एंड माँ थोड़ी एक्साइटेड पर है। बस इनका देखो खाना आ चुका है। उन्होंने पहली बार है ना तेरा खाना खाने का, पहली बार है, फर्स्ट टाइम, तो ये फर्स्ट टाइम है इनका। तो गाइस मेरी माँ ने तो आपको बर्थडे का केक खिलाया, पर मैं भी आपको खिलाना चाहूँगा कि आप भी खा लेना, अच्छा है वैसे।